ये देखिए मेरा खाना पीना बंद कर रहे हैं, खुद यहाँ पराठे और ऑमलेट पाट रहे हैं। मेरा कौन सा कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई अनहेल्दी खुद पराठे वो भी लच्छे वाले और मेरी सुक्की भी बंद। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि मेरी बेगम मेरा खाना पीना सब कुछ बंद करने वाली है। रेड मीट वगैरह अंडा शंडा सब कुछ, पराठे पराठे भी बंद। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मुदस्सर रज़ाक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोग बात कुछ ऐसी है कि टाइम हो रहा है कुछ 6:15 के आसपास, 6:15 हो रहे हैं और सैरी करके आपके भाई को नींद ही नहीं आई थी, इसलिए आपका भाई आ गया बाहर। और बाहर आके देखता हूँ कि आज गर्मियों के, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक वेदर चेक करें आप। ओह माय गॉड, वाओ, फॉग्स, गर्मियों में फॉग कैसे पड़ रही है देखें, ऐसे से फॉगी फॉगी सा मौसम हुआ हुआ। तो मौसम हुआ हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, तो मैंने सोचा कि नींद तो आने रही तो बाहर बैठ के इधर टेरेस में बैठ के तो कल वाला जो व्लॉग है वो एडिट कर लूँ, तो मैं वो एडिट करता हूँ और फिर मैं आज आपको दिन में बताता हूँ कि आज इंशाल्लाह कहाँ कहाँ जाना है। एक दो काम है वो करने हैं, मैं आपको साथ साथ घुमाऊँगा। और लेकिन अभी मौसम बड़ा फिट हुआ हुआ है, ठंडा ठंडा हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी, इधर बंदा बाहर अभी चिल की जो ठंडी सी हल्की हल्की हवा चल रही है उसमें बैठ के एडिटिंग कर ले। तो मैं अभी जो कल वाला व्लॉग बनाया था वो एडिट करूँगा, तो आपको मैं आज एडिट वगैरह करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सुबह इंट्रो देने के बाद पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, टाइम तो मैं खैर मिला था लेकिन दिल ही नहीं किया, कुछ था ही नहीं ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि मेरी बेगम मेरा खाना पीना सब कुछ बंद करने वाली है। रेड मीट वगैरह अंडा शंडा सब कुछ, पराठे पराठे भी बंद है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और क्या ज्यादा है, रिपोर्ट यूरिक एसिड भी ज्यादा है। मतलब खाना पीना बंद है। खाना पीना है क्या, हेल्दी खाना है ना, गंदा खाना पीना नहीं। हेल्दी क्या मतलब, हेल्दी में क्या, पेस्ट्रीज वगैरह तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, हेल्दी में फूड्स खाएं, नींबू पानी पिएं और लो फैट चीजें खाएं, दही वगैरह खाएं, गुड फॉर यू। दही में तो फैट्स होते हैं, दही इज अ गुड फैट होते हैं। चलो लेकिन चिकनाहट तो होती है ना दही में, कौन सी चिकनाहट होती है दही होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें। नहीं, दही इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब दही की क्रीम उतार के खाए ना, दूध भी बगैर क्रीम के पिया करें तो आपके लिए अच्छा है। जूसेस ले, वेजिटेबल्स खाए, जो आपसे गले हलक से नीचे नहीं उतरती वो वेजिटेबल्स खाए। वैसे सब्जियां खाए तो मेरा हेल्थ पता कितना सही हो गया। एग्जैक्टली सही बात है, सब्जी खाए मेरे लगता साल हो गया। दालें खाए, दालें भी नहीं, दालें खाए मेरे 5 साल हो गए। फिश खाए, फिश बहुत अच्छी है। फिश खाए, हाँ फिश पसंद है मुझे। चलो करते हैं कुछ सही है, अभी इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आगे सब कुछ बंद हो गया मेरा। करतूत हैं किसकी, आपकी अपनी खुद की? मैं नॉर्मल वही खाता हूँ जो मेरी एज में सारे लड़के खाते भी थे। जो सुबह नाश्ते से लेके डिनर तक आपने हर मील के साथ कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नाश्ते में कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है? मेरा नाश्ते 12 बजे होता है, फिर मेरा भी 12-1 बजे होता है, मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। आप घर पे गए होती हैं, मैं बाहर होता हूं। फिर तो मुझे जस्टिफिकेशन तो नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक खान साहब? 2 चाय और 1 पराठा और 1 ऑमलेट मिल जाएगा? हाँ, 1 ऑमलेट, 2 चाय और 1 पराठा। वो सामने वो गाड़ी खड़ी है, कौन सी गाड़ी में? वो वैगनर के साथ गाड़ी, आखिरी के साथ वाला, ये होंडा सिविक, होंडा सिविक, हाँ वो ही। कितना? हाँ, एक ऑमलेट, एक ऑमलेट, एक ऑमलेट, एक पराठा, एक चाय, एक पराठा, एक चाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देखिए मेरा खाना पीना बंद कर रहे हैं, खुद यहाँ पराठे और ऑमलेट पाट रहे हैं। मेरा कौन सा कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई अनहेल्दी खुद पराठे, पराठे वो भी लच्छे वाले और मेरी सुक्की भी बंद। ये तो नाइंसाफी है। नहीं, सुक्की अलाउ है, खा सकते।
उए अभी से आया नजर लड्डू मेरा इस ना लड्डू क्या हुआ था क्या हुआ था क्यों गुस्सा आ रहा है बाबा क्या कर रहे हैं सुनिया बोलो क्या कर ले सो जाओ हाँ आपके कहने से सो जाएगी सो जा गुगु मिशे जोड़ी हेलो हेलो शामी को अस्सलाम वालेकुम ये अलमोरा हाय गाइस हाय गाइस दिस इज मी इज नमो दस योर होस्ट अभी दादू से बात की थी सुने ने दादू से बात हुई है इजना अंधेरी ये क्या कर रही है इजना इजना दादू से बात हुई है आपकी A few moments later. हाँ जी तो अभी ये हम पराठा शराठा हम नहीं ये पराठा शराठा खा के हम चाय पी के तो अभी हम जा रहे हैं जलाल सिंह से वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी है और क्या कहाँ जाना कहती फार्मेसी पे जाते अपनी मेडिसिन लेते फार्मेसी वो जो उसने लिखी भेजी है हाँ तो मैंने अपनी मेडिसिन लेनी है फार्मेसी से वो फार्मेसी से मेडिसिन लें जलाल सिंह से जो दो तीन चीज़ें लेनी है वो लें हाँ मोटो ने कहा कि चॉकलेट लेनी है उसके लिए तो वो चॉकलेट लेनी है और दवाई लेनी है ये सब चीज़ें लेके तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट्स आई क्या हैं और रिपोर्ट्स में आया क्या है और आगे क्या करना है ओके A few moments later बात एक्चुअली ये है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं रिपोर्ट्स में मेरी आया है क्या हाई कोलेस्ट्रॉल है और क्या बहुत ज्यादा हाई है बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड भी हाई है और शुगर नॉर्मल और बस ठीक है यही काम आपका नहीं दो दिन किसी में टेस्ट है ना एक तो लिपिड प्रोफाइल का था ना हाँ तो वो सही है कोलेस्ट्रॉल नहीं वो बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है और यूरिक एसिड हाई है हाँ और यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई है और इतना बहुत ज्यादा हाई है फिलहाल तो एक्चुअली मसला ये है कि अभी पहले तो कोई मसले नहीं थे और कोई अगर अभी फिलहाल कोई मसले हो भी जाते तो कोई टेंशन टेंशन नहीं थी लेकिन अभी इजना है इसलिए इजना के लिए अपने आप का अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा वो तो किसी के लिए चेंज कराने लेकिन ये छोटी सी बच्ची करवा सकती है जो बहुत सी चीज़ें करवा सकती है जो दूसरे नहीं करवा सकते हो गई घर जल्दी तो इंशाल्लाह अब ये अपना ख्याल रखना है और ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये कोई एज नहीं है लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा डाइट वगैरह लाइफस्टाइल ओवरऑल ही चेंज करने की ज़रूरत है बाहर का खाना वैसे खाता ही बाहर का हूँ सब्जियां तो खाए साल हो गया दालें खाए पाँच साल हो गए हैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना इसको रिकवर करना है और आप इंशाल्लाह कोशिश नहीं करनी इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि अपना ख्याल रखना है ठीक है तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं अपनी बातों पर कायम रह सकूँगा नहीं मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया कि अभी इंशाल्लाह अपनी बातों पर कायम ही रहना है तो इसी उम्मीद के साथ कि कल एक अच्छा दिन होगा आप सब लोग अपना और अपने आसपास के लोगों का और स्पेशली इस मुल्क का ख्याल रखिएगा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लास्ट तक लाजमी देखा करें आपको मिलूंगा कल एक नए व्लॉग के अंदर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़